सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में वापस स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। अच्छी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि वैक्सीन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी अगस्त में। जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है, हमारे जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है कि वैक्सीन सभी स्टूडेंट, मतलब जो 18 साल से नीचे की एज वाले बच्चे, उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। वैक्सीन में थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, इसके ट्रायल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो अगस्त तक बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि वैक्सीन आने वाली है तो अब हमारे क्या एग्ज़ाम होगी। देखो यार, ये बात मत सोचा करो। वैक्सीन आने का मतलब ये थोड़ा है कि आपके एग्ज़ाम हो जाएगी। वैक्सीन की सिर्फ एक डोज थोड़ी होती, दो डोज होती है, और वो अवेलेबल होगी अगस्त तक। तो ये दिमाग मत लगाओ। ये अच्छी न्यूज़ इसलिए क्योंकि आपके लिए अवेलेबल हो रही है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे बड़ों को तो अभी तक प्रॉपरली वैक्सीन लगी नहीं, हमें कैसे लगेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर बहुत जल्दी स्टॉक आने वाला है नई वैक्सीन का, जिसके बाद में वैक्सीन की कमी इंडिया में कभी भी नहीं होगी। क्योंकि अब इंडिया के पास में सिर्फ एक वैक्सीन नहीं है, तीन तीन वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। और इंडिया के अंदर इसका स्टॉक इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उम्मीद की जा रही कि इस साल के एंड तक, दिसंबर तक, लगभग सभी जगहों पर सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। और ये सब पॉसिबल हो पाएगा आप सभी की सपोर्ट की वजह से। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि लोग आगे बढ़ के सपोर्ट दिखाएं और अगस्त तक वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम है वो जल्दी जल्दी ख़त्म करें, जिससे 18 साल से नीचे वाले जो बच्चे, उनके लिए भी अवेलेबल हो जाए प्रॉपर तरीके से, और वो भी अच्छे तरीके से अपने आप को सिक्योर करा पाए। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है सभी बच्चों के लिए। और अगर वैक्सीन लगने लग जाएगी तो आप सभी की स्कूल्स भी खुल जाएंगे पहले की तरह। अब क्योंकि आप में से, मेरे को पता है, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में हैं, तंग हो रखे घर बैठे बैठे, पूरा साल निकल गया लेकिन स्कूल नहीं गए। तो अब अगर अगस्त से वैक्सीन वगैरह अवेलेबल हो जाती है बच्चों के लिए, तो उम्मीद यही है कि बच्चों की भी स्कूल्स खोल दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की कोई अच्छी खबर आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो अपनी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सिंह करते रहो, सेफ रहो।